काम देख सकते हो आप, यहाँ पर काम चल रहा है अभी। ये है भाई रणवीर सिंह गंगवा जी का रेजिडेंस, हनुमान मूर्ति बहुत फेमस है भाई यहाँ पर। अमेजोन का वेयर हाउस है, मतलब कोई भी आप सामान अमेजोन से मंगाओगे तो ये सबसे पहले इस तरफ आएगा। और ये अंडरपास देख सकते हो कितना खतरनाक अंडरपास है, ब्लेसिंग बैंक्वेट हॉल है, किसी भी प्रकार की शादी वादी हो किसी। ये है बड़ी नहर और इस नहर में बच्चे गर्मियों में नहाते होते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंद्रेश शर्मा व्लॉग। तो भाई टाइम हो चुका है 6:15, और सुबह के 6:15 नहीं है, शाम के 6:15 हैं। और प्रॉब्लम ये थी कि कल भी मैंने व्लॉग नहीं करा, कल भी मुझे थोड़ा सा कुछ काम था, बैंक वैंक जाना था और 2-4 काम थे, तो कल भी मेरा व्लॉग नहीं हो पाया पूरे दिन। शाम को मैंने थोड़ा सा व्लॉग स्टार्ट करने की कोशिश करी भी थी लेकिन नहीं हो पाया। और भाई 8:30-9 बजे से मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आने लगी थी, और आज भी सारा काम करते करते, और यार दोपहर को धूप भी बहुत हो जाती है यार। 12-12:30 बजे मैं फ्री हुआ था, 1 बजे अगर मैंने खाना खाया उसके बाद नींद आ गई इतनी ज़बरदस्त। और यार 1 बजे भी व्लॉग करें तो क्या करें, और बाहर निकले तो कैसे निकले समझ नहीं आ रहा था। तो बस वही है कि भी आज का दिन भी सारा निकल गया और 6:15 हो रहे हैं शाम के। अब मुझे लगता है कि अब मुझे व्लॉग करने के लिए आना पड़ेगा और मुझे व्लॉग करना पड़ेगा, और अब मैं फिर व्लॉग करने के लिए आपके सामने आया हूँ। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि मोटो व्लॉगिंग करते हैं, थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं, क्योंकि फटाफट मोटो व्लॉगिंग करके कंप्लीट करने के बाद मेरे को सब्जी मंडी भी जाना है, सब्जी वब्जी भी लेके आनी है, घर का काम वाम भी करना है। तो सिस्टम है ना यार, 2-3 दिन से इतना ज़्यादा उथल पुथल हो रहा है ना, गर्मी ने तो वाट लगा दी है, क्योंकि दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है बाहर निकलने का मूड नहीं करता, और ना आलस इतना आ रहा है ना यार कि नींद इतनी आ जाती है। और जिम विम अपना सही चल रहा है, जिम विम मैं गया था, जिम विम जाके आया था। तो बस समस्या यही है कि गर्मियों का माहौल ऐसा आ चुका है, गर्मियों का सिस्टम इतना हो चुका है ना कि समस्या ही समस्या बढ़ रही है। व्लॉगिंग में अभी ये हालत देख लो यार, पसीने आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं इस वजह से, ये फ़ैन ऑफ है, फ़ैन ऑन करूँगा तो अब वॉइस क्लियर नहीं आएगी। तो व्लॉगिंग करने और सब कुछ करने उसमें करने थोड़ा सा ना दिमाग फटीक हो गया है, और इतना ज़्यादा फटीक हो चुका हूँ ना कि थोड़ी थकावट सी हो चुकी है, और थोड़ा सा न्यू है कि भाई थोड़ा चिल करना है, और बस ऐसी है। और गर्मी के हाल देख सकते हो यार, गर्मी लग रही है। तो चलो अभी के लिए तो अपन मोटो व्लॉग करते हैं, बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा बाहर का व्यू देखते हैं, थोड़ा सा इन्जॉय करते हैं, ज़्यादा नहीं तो थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स मिलेगा बाहर निकल के। तो बने रहो आप हमारे साथ, मिलते हैं सीधा मोटो व्लॉग में। हाँ तो भाई स्वागत करता हूँ मैं मोटो जोगी नितेश शर्मा आपके अपने इस मोटो व्लॉग में, और आज हमारी ये मोटो व्लॉगिंग जाएगी कैमरी रोड की तरफ, और कैमरी रोड का एरिया हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो ये जो एरिया है ये इस समय मैं कैमरी रोड पे चल रहा हूँ, और मैंने अभी कैम चुंगी वाला मोड़ जो है वो क्रॉस कर लिया है। तो कैमरी रोड की तरफ देखते हैं हिसार के थोड़े से नज़ारे और घूम के आते हैं। हालांकि घूमने वाला ऐसा कुछ नहीं है कैमरी रोड पे, थोड़ा सा यार कंस्ट्रक्शन वर्क काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, पुल वुल बन रहे हैं और ओवरब्रिज बन रहे हैं, कोई अंडरपास बन रहा है, तो हालात थोड़ी ऐसी है। बाइक लेके जाना भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होगा वहाँ पर। और जैसे कि मैं बता रहा था कि मैंने कल भी व्लॉग नहीं किया, और मैं आज भी मेरी हालत टाइट ही है व्लॉगिंग करने में, लेकिन जैसे तैसे करके मैं व्लॉग करने के लिए निकला हूँ, और देखते हैं भाई कहाँ तक पहुँचती है गाड़ी। और ये PNB बैंक है, पहले ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हुआ करता था, और मर्जिंग के बाद ये PNB बैंक हो गया। और इसी के साथ हमारी ये जर्नी चल रही है। अभी मेरे को घर पे व्लॉग करने के बाद घर पे जा करके मेरे को वो भी लेके आनी है, सब्जी वगैरह भी लेके आनी है, घर के काम भी बहुत ज़्यादा हैं, और सनसेट होता हुआ वहाँ पे, और गायें वायें भी बहुत ज़्यादा हैं। और तो कैमरी रोड से चलते हुए अब आ चुका है लेबर चौक। लेबर चौक इसलिए इसे बोलते हैं क्योंकि यहाँ से 15 सेक्टर का कट जाता है, और यहाँ पर लेबर वगैरह खड़ी होती हैं, और ये अभी खागड़ हमारे सामने आता और बच गया। तो वहाँ पर लेबर चौक पे लेबर वगैरह खड़ी होती है, आपको कोई भी चिनाई विनाई का किसी भी तरह का काम करवाना है तो आपको लेबर मिल जाएगी वहाँ पर। और वहाँ से हम लोग निकले हैं, और निकलते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं अभी कैमरी रोड पे। और वो लेबर चौक से ही अगर राइट टर्न ले लेता मैं तो 15 सेक्टर की तरफ मैं पहुँच जाता। तो बढ़ रहे हैं हम लोग आगे। अब यहाँ पे ना कैमरी रोड पे ये जो सामने पुल देख रहे हो ना अभी सीधा, ये पुल मैंने इस पुल के ऊपर भी आपके सैर करवाई है, गाड़ी में भी करवाई है और बाइक पे भी करवाई है। ये अभी रिसेंटली ओवरब्रिज बना है जो जस्ट सामने देख रहे हो, अभी थोड़ा सा दूर है, थोड़ा पास आओगे तो पता चलेगा। और ये है कैमरी रोड पे, कैमरी रोड का पेट्रोल पम्प भाई। और तो ये जो फ्लाईओवर देख रहे हो आप, ये वाला फ्लाईओवर ये जस्ट अभी बना है, मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में बताया भी है इसके बारे में। तो अभी यहाँ से नीचे निकलते हैं, और यहाँ जस्ट कोने पे
पुलिस चेक पोस्ट भी है, और कभी भी आओ तो ध्यान से आना। यहाँ पर चलान वलान भी काट सकते हैं ये लोग। यहाँ पर देख सकते हो पुलिस नाका, ये पुलिस चेक पोस्ट है। और यहाँ पर आ जाती है भाई नहर, ये है बड़ी नहर, और इस नहर में बच्चे गर्मियों में नहाते होते हैं। और वहाँ देखो, और ये सामने बन रहा है भाई एक और फ्लाई ओवर, ये बन रहा है पुलिस रेलवे, रेलवे लाइन है यहाँ पे हिसार राजगढ़ी जो रेलवे लाइन है, उस रेलवे लाइन के लिए बन रहा है। और काम देख सकते हो आप, यहाँ पर काम चल रहा है अभी। और इसी के साथ यहाँ पे आ जाता है भाई बैंक्वेट हॉल, ये ब्लेसिंग बैंक्वेट हॉल है। किसी भी प्रकार की शादी वादी हो, किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन आपको करना है तो ये ब्लेसिंग है। और काम देख सकते हो भाई ये फ्लाई ओवर का भी चल ही रहे हैं, और अभी काफ़ी काम पेंडिंग है इसका, और जस्ट चल ही रहा है ये काम। और रोड है ना बहुत, अब ऐसे काम चलता है ना यार, तो आस पड़ोस की रोड भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो अगर कैमरे की फ्लक्चुएशन हो रही है या ऐसा कुछ हो रहा है तो भाई माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि भाई कंस्ट्रक्शन चल रहा है और कैमरे रोड की तरफ हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ पर व्लॉग करना, यहाँ पर बाइक वाइक लेके आना, ये भी बहुत बड़ा टास्क है मेरे भाई। तो जैसे तैसे व्लॉगिंग करने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर, देखते हैं फिर कहाँ से रास्ता है, कहाँ से क्या है। और यहाँ पर बनाया गया है भाई अंडरपास, ये बना के दिया है यहाँ पे अंडरपास। और ये जो, और ये अंडरपास देख सकते हो कितना खतरनाक अंडरपास है, कितना खतरनाक अंडरपास है भाई। ये देखो यहाँ से अपने को अंदर जाना है, और पता नहीं भाई किस क्या हिसाब है, मेरी तो डर लग रहा है मेरे को। और ये जो ऊपर रेलवे ट्रैक है, ये रेलवे ट्रैक है हिसार राजगढ़ रेलवे ट्रैक, और हिसार राजगढ़ का रेलवे ट्रैक है भाई। और तो थोड़ा सा चलते हैं अंदर, और बहुत ख़तरनाक सीन है भाई ये तो, ऐसा लग रहा है मैं पहाड़ से नीचे उतर रहा हूँ, और इतना ख़तरनाक अंडरपास बना रखा है मतलब हिसाब नहीं है। और जब बारिश वगैरह होती है तो यहाँ कीचड़ वगैरह भी काफ़ी हो जाता है। तो भाई बहुत ही ख़तरनाक अंडरपास से निकलते हुए हम लोग, पुल वुल का काम हो रहा है, बहुत खस्ता हालत हो रखी है। लेकिन हाँ एक बात तो है कि शुरू के ये दर्द हैं, शुरू के ये दुख हैं, उसके बाद जब ये फ्लाई ओवर बन जाएगा और ये पुल वुल बन जाएगी तो ये अंडरपास भी बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा दिखाई देगा आपको। और हमारे अश्विनी कौशिक और प्रवीण कौशिक भाई का घर भी इसी तरफ है, मुझे याद नहीं आ रहा किस तरफ है। नया कंस्ट्रक्शन हो रही है उनके घर की भी, लगभग फाइनल हो चुका है। तो अश्विनी कौशिक और प्रवीण कौशिक भाई को बहुत बहुत बधाई हो, उनका घर फाइनल हो चुका है, और जल्दी से घर में एंट्री कर लो और मुहूर्त की पार्टी हमें दे दो। तो मुझे आइडिया नहीं है कहाँ है, कहाँ किस तरफ है इनका घर, और वैसे तो वो हाउसिंग बोर्ड में अपने घर के पास ही रहते हैं फ़िलहाल, लेकिन बहुत जल्द शिफ्ट हो जाएंगे वो वहाँ पर। तो हालत भले ही बहुत ज़्यादा खस्ता है फ़िलहाल, लेकिन व्लॉगिंग करने के लिए हम लोग तत्पर निकले हुए हैं, आगे से आगे, आगे से आगे हम लोग व्लॉगिंग करने के लिए निकले हुए हैं। तो ये जो कैमरी रोड है, इसका नाम कैमरी रोड इसलिए रखा है क्योंकि सीधी सीधी ये रोड सीधी सीधी जाते हुए कैमरी गांव की तरफ जाती है, कैमरी मंगाली गांव की तरफ जाती है, तो इसी वजह से इसका नाम कैमरी रोड रखा हुआ है। और अंडरपास आपने देख लिया, हालत बहुत खस्ता थी, और अब थोड़ी बहुत ठीक रोड आई है कैमरी रोड की, और अब हम लोग कैमरी रोड की तरफ आ गए हैं। और हमारे जो माननीय MLA जी हैं, जो हल्का नलवा के विधायक हैं, उनका घर भी यहीं पड़ता है, रणबीर सिंह गंगवा जी का, और उनका रेजिडेंस भी हम आपको दिखाएंगे, जस्ट अभी आने वाला है उनका रेजिडेंस। और डेवलपमेंट तो देखो यार, ये डेवलपमेंट चल रही है, दो चार साल बाद देखना आप कितना चमचमाता हुआ डेवलपमेंट हो जाएगी। तो काम चलता है तो यार होता ही है। और ये भाई अमेजोन का लॉजिस्टिक पार्क, ये अमेजोन का वेयर हाउस है, मतलब कोई भी आप सामान अमेजोन से मंगाओगे तो ये सबसे पहले इस तरफ आएगा और यहाँ से डिलीवर होगा। और ये है भाई रणबीर सिंह गंगवा जी का रेजिडेंस, तो रणबीर सिंह गंगवा जी का रेजिडेंस। और अभी श्री मनोहर लाल खट्टर जी भी इस तरफ आए थे रणबीर सिंह गंगवा जी के घर पे। तो और ये है भाई हनुमान मूर्ति, ये बहुत फेमस है कैमरी रोड पे, ऑटो वगैरह को कहीं जाना हो, कहीं ऑटो वगैरह को जाना हो तो ये हनुमान मूर्ति बहुत फेमस है भाई यहाँ पर। हनुमान मूर्ति का नाम लिया जाता है, एक तरह से लैंडमार्क की तरह यूज होता है, जय बजरंगबली महाराज। तो यहाँ से सीधा सीधा चलते हुए हैं, और यहाँ बस अभी धन्यवाद का बोर्ड आने वाला है,
यहाँ पर हिसार यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो है नगर निगम की पहुँच ख़त्म हो जाती है। बस अभी जस्ट धन्यवाद का बोर्ड आ जाएगा, उसके बाद हिसार यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद जो है वो डाया, कैमरी, मंगाली ये सब गांव आ जाते हैं। और कैमरी गांव को ये रोड जाती है, इसलिए इस रोड को कैमरी रोड बोला जाता है। और यहाँ पर ग्रेनाइट वगैरह के भी ये काम बहुत ज़्यादा हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने ग्रेनाइट वगैरह के स्टोर वगैरह खोले हुए हैं। तो सामने आप देख सकते हो नगर निगम का धन्यवाद का बोर्ड आ गया। ये धन्यवाद का बोर्ड आपको ये दर्शाता है, ये सचेत करता है कि यहाँ से हिसार नगर निगम की पहुँच ख़त्म हो जाती है, नगर निगम का बॉर्डर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो है वो नगर निगम के बाहर आता है और रूरल एरिया शुरू हो जाता है। तो यहीं तक ही था कैमरी रोड की तरफ से अगर देखा जाए तो हिसार यहीं तक ही था, इसके बाद कैमरी, मंगाली वगैरह गांव शुरू हो जाते हैं। तो ये धन्यवाद का बोर्ड यहीं तक ही था और इसके बाद हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि हिसार यहां पर ख़त्म हो जाता है। तो बढ़ चलते हैं हम लोग यू टर्न लेके वापस से। और इसी तरह से देख सकते हो भाई, मुख्यमंत्री जी अभी कुछ दो एक दिन ही हुए हैं शायद, मेरे ख्याल 2-3 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए हैं, रणवीर सिंह गंगवा जी के आवास में आए हैं। और उनकी फ़ोटो भी हमने फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे देखी थी रणवीर सिंह गंगवा जी की। और तो हालात थोड़े से डगमगाए हुए हैं यहाँ पर कैमरी रोड की तरफ, और रोड भी बहुत ज़्यादा ऊँची नीची है। तो आज का इस व्लॉग में अगर आपको कैमरे की फ्लक्चुएशन हुई है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो माफ़ करना, क्योंकि यार एक चीज़ देखो ना कि मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पर आके। बाइक ना पूरी खड़क जाती है इन रोडों पर चला करके, और चलाना भी बहुत मुश्किल होता है, रिस्क बहुत होता है। जैसे कि वो एक झोटा, एक खागड़ सामने आ गया था हमारे। तो जैसे भी है मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, आप भी सपोर्ट कीजिएगा, पूरा अपना साथ दीजिएगा। तो आज हम लोगों ने करा है हिसार के कैमरी रोड को कवर, और कैमरी रोड तक की तरफ का एरिया है ये, मेन कैमरी रोड की तरफ है। इसकी तरफ इधर उधर कोई नवदीप कॉलोनी होगी, गीता कॉलोनी होगी, और भी बहुत सारी कॉलोनीज हैं जो इनके आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। तो आज के इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं, होप करते हैं आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। और जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि हमारी आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर।